आज के सेशन में हम लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं और मैथ्स का जो क्लास 10th का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से, क्या आप देख सकते हो, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो टोटल क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 8 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ देख सकते हो आप, दिखाता हूँ मैं, ये एक्सरसाइज 4.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 यहाँ हो गया, 1, 2। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करवाऊंगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपली आप देख सकते हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन द वेरिएबल एक्स इज एन इक्वेशन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ, ये आप देख सकते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है और ए बी सी आपका रियल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो आपका ए है ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे जो ये वाला टर्म है, ए अगर जीरो हो जाएगा आपका, तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये आपका जीरो हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपका डिग्री होता है वो 2 रहना चाहिए। यहाँ देखिए, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और ए जीरो के बराबर नहीं होगा, और यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, इतना बात है, आपने समझ ली। अब चलते हैं चैप्टर पे, एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करते हैं। तो सिंपली एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ देख सकते हो 4.1 है और इसको सॉल्व करते हैं। जो बेसिक आपका क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये जो इक्वेशन दिया गया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको आप क्या करो, स्प्लिट करो, इस टर्म को पहले बाहर निकालो। तो बाहर निकालता हूं मैं, इसको स्प्लिट करोगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। सिंपली x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x। देन उसके बाद आप इसको स्प्लिट करो, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 6। ठीक है, अब यहां देख सकते हो ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा। सिंपली इसको काट दो और ये माइनस 6 को LHS की तरफ ले आओ। तो यहां आपका x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। और ये यहां पे x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि आपको पता है यहां पे जो x का पावर है ये 2 है और डिग्री 2 रहता है, डिग्री 2 रहेगा, तो सिंपली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप इसको ax + b x स्क्वायर प्लस b x प्लस c के फॉर्म में तोड़ना चाहोगे तो सिंपली a स्क्वायर प्लस, आप यहां देख सकते हो बी एक्स नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली 0 इंटू एक्स कर सकते हैं और प्लस 7 कर सकते हैं। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, सिंपल। तो ये सॉल्व हो गया, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टर्म को स्प्लिट करो, तो यहां ऑलरेडी स्प्लिट है, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2x। ठीक है, अब क्या करो, इन सभी को LHS की तरफ ले आओ। तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x और ये इधर आएगा तो हो जाएगा आपका प्लस 6 इज और माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x हो जाएगा आपका माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। सिंपली इसको आपको स्प्लिट करना है तो मल्टीप्लाई करो। तो पहले इस एक्स को आपको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, देन माइनस टू को फिर इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं सिंपली लिखता हूं, आप देखो एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर माइनस टू को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा माइनस टू एक्स माइनस टू। यह आपका पूरा स्प्लिट हो गया। आप इसको स्प्लिट करो, यह आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, फिर आपके उसके बाद माइनस एक्स और माइनस 3। तो ये आपका पूरा टर्म हो गया। अब सिंपली अगर आप यहां पे देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये अगर इधर आएगा तो कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहीं से आपको स्पष्ट हो गया कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि
एक्स का पावर टू रहना चाहिए। ये सिंपली आपका एक्स का पावर वन है, वन है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सिंपली लिखोगे नॉट नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर, इसको सॉल्व करो। सिंपली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स और माइनस थ्री इज इक्वल टू, इसको इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर को इस साइड लिया तो टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को माइनस करोगे तो सिंपली आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये आपका प्लस एक्स है, ये माइनस या प्लस फाइव एक्स है, इसको इस साइड क्या होगा तो माइनस फाइव एक्स हो जाएगा, माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स माइनस फोर एक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है साइन जिसका भरा होता है वो होता है, और यहाँ पे आपका माइनस सिक्स भी है, माइनस सिक्स एक्स भी है, और ये आपका माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। एक बार और इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, इसको सॉल्व करते हैं। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आपका हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स और प्लस थ्री। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो बेसिक प्लस माइनस का रूल है वो पता होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स और माइनस फाइव, ये आपका बेसिक फॉर्म हो गया। अब देखो, हाँ, इसको इस साइड ले आओगे, सबको इस साइड ले आओ, सबको इस साइड ले आओगे तो ये आपका हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, इसको प्लस कर लो तो माइनस 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 प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस कर देते हैं, माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री, और यहाँ पे भी एक बार कर लो आप, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस फोर एक्स। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ माइनस एक्स है और यहाँ प्लस फाइव एक्स है, होगा माइनस लेकिन साइन बड़ा वाला होगा, फिर माइनस फाइव। ठीक है, उसके बाद सबको इस साइड ले आओ, टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करोगे तो सिंपली एक्स स्क्वायर होगा, माइनस सेवन एक्स माइनस फोर एक्स तो माइनस इलेवन एक्स हो जाएगा, और प्लस थ्री और प्लस फाइव तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है, ये एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सिंपली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर और माइनस फोर एक्स, इसको हम लोग तोड़ दिए। ए माइनस बी का आपको पता है ना कि होल स्क्वायर क्या होता है, सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो उसी फॉर्म में हम लोग इसको तोड़ दिए। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे आप ये एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इससे स्पष्ट हो गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सिंपली लिख देंगे नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे सिंपली आपको क्यूब का लग रहा होगा, क्यूब को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपली आपको बताना चाहूंगा कि ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है, ये सिंपली होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ए प्लस बी। ठीक है, ये रहे होता है, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा देता हूं और उसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपली इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो यहां पे हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस एट, हाँ, प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू टू और एक्स प्लस टू, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा आपका टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स। ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई करते एक्स क्यूब हो गया माइनस टू एक्स। सिंपली इसको सॉल्व करो, एक्स क्यूब प्लस एट प्लस सिक्स एक्स हो जाएगा और ये एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और थ्री टू जा सिक्स, सिक्स एक्स है, टू से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ट्वेल्व एक्स हो जाएगा।
इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब एक काम करो कि इन सबको इस साइड ले, या फिर इस सबको उस साइड भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली अगर इस सबको उस साइड भेजोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x क्यूब माइनस 2x, ये हो जाएगा तो माइनस एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे देखो ये और ये 2x क्यूब में से x क्यूब जाएगा तो सिंपली हो जाएगा आपका x क्यूब। अब देखो इसको सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, सिंपली आपको दिख रहा है कि यहां पे ये जो x क्यूब आ रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं आता, सिंपली यहां पे x का पावर 2 आना चाहिए लेकिन इसमें x का पावर 3 है, तो ये भी क्या है, सिंपली नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपली ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक क्वेश्चन और है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहां पे x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, आप देखो x माइनस 2 का होल क्यूब है, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन सब जगह माइनस हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा x क्यूब माइनस 8 माइनस 3 टू 6x, और ये हो जाएगा आपका x माइनस 2। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज यहां पे देखो, ये x क्यूब और ये x क्यूब आपका कट गया। ठीक है, आप एक काम करो, इसको एक बार और लिख लो पहले आप, माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12x। ठीक है, अब क्या करो कि इन सबको इस साइड ले, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। तो ये आपका पूरा फॉर्म है, अब इसको एक बार सॉल्व कर, यहां पे हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस एक्स माइनस 12x माइनस 13x हो जाएगा आपका, और उसके बाद ये आपका प्लस 1 प्लस 8 यहां पे हो जाएगा आपका प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में 8 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बता दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से करना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना। इस चैनल पे आपको क्लास 10th के पूरे जो मैथ्स के क्वेश्चन है, जो अभी आपका 15 फरवरी से बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है उससे पहले रिविजन करवाया जाएगा, आप सभी के लिए डिजिटल बोर्ड भी लगाया गया है। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और सपोर्ट जरूर से करना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।